फिर से आपका आह्वान कार्यक्रम में स्वागत है आज हमारे साथ राजयोगनी ब्रह्माकुमारी गीता दीदी आज फिर से हमारे साथ हैं ओम शांति गीता दीदी ओम शांति आज का पहला प्रश्न है एक प्रवीण कुमार हैं जो कि पुणे से हैं वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनके ऑफिस में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह शाम हार्डवर्किंग इतने हैं और अपने काम को लेके सिंसियर हैं बट फिर भी ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉस के सामने चापलूसी करके आगे बढ़ जाते हैं और जो वो मेहनत करते हैं वो कुछ कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि चापलूसी करके वो पोस्ट उनको मिल जाता है और वो जिस पोस्ट पे थे आज वो उसी पोस्ट पे हैं उनको सात साल हो गए हैं वहीं जॉब करते हुए उसी पोस्ट पे और जो चापलूसी लोग थे वो बॉस के सामने चापलूसी कर करके आगे बढ़ गए हैं तो मैं इस वजह से इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ इतनी ज्यादा परेशानी में हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ प्रवीण से हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जरा भी आप निराश मत होइए क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप अपने कार्य के लिए बहुत सिंशियर हैं और मेहनती है ये आपकी बहुत बड़ी संपदा है ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट है वो यही कंप्लेन करते हैं कि यहाँ जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं आज ओवरऑल ये समस्या है तो आपके अंदर तो ये इतनी अच्छी विशेषता है कि आप कहीं भी वर्क ज्वाइन करेंगे जॉब लेंगे आप सफल होंगे इसलिए आप अपनी विशेषता की खुद वैल्यू करें और आपको क्या करने की ज़रूरत है वो दो तीन बातें आप ऐड करिए देखो आप आँख मूंद के मेहनत करते जा रहे हैं अपना काम करते जा रहे हैं लेकिन आवश्यक है कि आपके जो सुपीरियर हैं या आपके जो बॉस है उनको आप बताएं भी कि आप किस किस प्रकार के कार्य में बिज़ी रहते हैं क्या क्या मेहनत आप करते कई बार हम क्या करते हैं कि हम खुद काम में लगे रहते हैं पर बड़ों को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम समय प्रति समय उनको मिले रिपोर्टिंग करें और बताएं कि प्रैक्टिकली डेली आप किस क्या क्या कार्य करते हैं दूसरी बात कि कई बार हम चापलूसी तो हमें नहीं करनी चाहिए ये बात आपकी सही है हमें चापलूसी नहीं करनी चाहिए परंतु कई बार हम अपने बड़ों की प्रशंसा भी नहीं करते अपने काम में लगे रहते हैं तो जो संबंधों में क्या ध्यान रखना चाहिए वो हमारा अटेंशन नहीं रहता है तो आप अपने बॉस या जो भी आपके सुपीरियर है चापलूसी की आवश्यकता नहीं है देखो आज नहीं कल जरूर कभी तो समय आएगा जो सिर्फ चापलूसी करने वालों की भी पोल खुल जाएगी right. क्योंकि कैपेसिटी नहीं है प्रैक्टिकली कुछ कार्य नहीं करते हैं तो आज नहीं कल उसका रिजल्ट तो दिखाई ही देगा ना।, ना, तो हमें उनको देखकर चापलूसी करने की जरूरत नहीं है पर हम अपने साथियों की बड़ों की उनकी विशेषताओं की प्रशंसा जरूर करें बट दीदी वो बोल रहे हैं वो सात साल से एक ही पोस्ट पे हैं जिसकी वजह से जो उनके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है वो बोलते हैं कि आप इस कंपनी में सात साल से हो कंपनी ने आपको कुछ नहीं दिया आपने मेहनत ही करी फिर भी आपको कुछ नहीं मिला और जो उनके दूसरे फ्रेंड है जो आगे बढ़ चुके हैं वो उनको आके एक टोंट वे में बोलते हैं कि देखो हम आगे बढ़ गए हैं हमारी सैलरी भी बढ़ गई है आप जिस पोस्ट पे थे जिस सैलरी पे थे उसमें से आपको कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ जितना था उतना ही है और हम आज कहाँ हैं आप कहाँ हो कोई बात नहीं तो कोई भी आपको कहता है या कोई आगे बढ़े हुए भी आपके आगे आके बोलते हैं इससे हमें जरा भी दुखी होने की जरूरत नहीं है कोई बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं इतना ही जल्दी वो कॉलअप भी हो जाते हैं बिगर योग्यता और क्षमता कोई भी टिक नहीं सकता है हो सकता है गलत कोई भी तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ जाए पोस्ट पोजिशन ले ले पर आखिर तो प्रैक्टिकली खुद की योग्यता और क्षमता से ही हम उस स्थान पर टिक सकते हैं अगर उस तरफ हमारा कोई जमा खाता नहीं है या वो चीज़ें हमारे में नहीं हैं तो हम जल्दी डाउन भी हो जाएंगे इसलिए जरा भी आप दुखी मत होइए शांत मत होइए भले कोई कुछ भी कहे सात साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है ये अनुभव के लिए भी बहुत ज़रूरी है Experience हाँ उसको हम बोलते हैं इसलिए और अगर आपको लगता है तो कभी आप अपने बोस से मिलके उनके घर जाके उनसे मिलके अपने मन की बात बता सकते हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं ना कि साहब देखो मेरे जो साथी है वो बहुत आगे बढ़ गए आप मुझे भी गाइड करिए कि मैं कैसे आगे बढ़ू आप ईर्ष्या नहीं करिए वो किसी भी तरीके से आगे गए वो जाने उनका काम जाने पर हमें गलत वे से आगे नहीं बढ़ना है जीवन में अनुभव बहुत जरूरी है और आपने मेहनत की है वो मेहनत आपकी कभी भी बर्बाद नहीं होगी वो जरूर आपके पास अनुभव के रूप में कई शक्ति बन के आपके साथ रहेगा और आप अवश्य आगे बढ़ पाएंगे सिर्फ आप ये करिए कि आप जो कुछ कार्य करते हैं मेहनत करते हैं वो आप अपने सुपीरियर को बताइए ताकि उनके ध्यान में आए कि प्रैक्टिकली वास्तव में कौन कर रहा है राइट right, दीदी मुझे लगता है प्रवीण जी को जैसे प्रवीण जी आप सुन ही रहे होंगे दीदी ने दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी बताई हैं एक ये कि आप डेली बेसिस पे अपने बॉस से जाके मिलिए उनको बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं आप एंड में जब दिन ख़त्म होता है अपने बॉस के पास जाएँ और उनको बताएँ कि मैंने ये ये किया और दूसरी चीज़ ये है कि आप सात साल का एक्सपीरियंस काम आएगा जब आप नेक्स्ट जॉब के लिए जाएंगे इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपके जो सात साल हैं yeah. वो आपके काउंट होंगे तो आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा तो दीदी यही बोल रहे हैं कि चापलूसी जो लोग हैं आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपने जैसे बोला उनको अवॉइड करें और अपना हार्डवर्क अपनी मेहनत कंटिन्यूसली करें करते रहें तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और समय प्रति समय अपने बॉस को मिलके बातें भी बताएं और उन लोगों का भी जो अच्छे कार्य होते हैं बड़ों के उनको भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए चापलूसी नहीं करनी चाहिए पर प्रशंसा की करनी जाके चाहिए तारीफे करनी और प्रवीण जी आप एक बात जरूर बुद्धि में रखिए की आज जो बड़ी पोस्ट पर जो लोग हैं वो अपने आप में बहुत ही सेंसिबल अनुभवी होते हैं वो भी परखते हैं कि कौन, कौन चापलूसी कर रहा है और कौन वास्तव में काम कर रहा है पर कोई रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता इसलिए कुछ वर्णन नहीं करेंगे लेकिन अंदर समझते जरूर है सिर्फ आपको ये करने की जरूरत है कि आप जो कार्य करते हैं वो बॉस के ध्यान पर आना चाहिए इसलिए बीच बीच में आप अपने सुपीरियर से मिलिए और उनको अटेंशन दिलाइए मैंने अब इस कंपनी को इतना टाइम दिया मुझे कुछ नहीं मिला तो वो सोच सोच के वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है तो वो जितना काम करता था वो भी नहीं कर पाता है hmm. तो ऐसा क्यों होता है तो देखो फायदा क्या हुआ आप जो बता रही है इससे आप खुद भी सोचिए कि डिप्रेशन में जाने का फायदा क्या है जो वो अपना परफॉर्मेंस है उसको खुद ही बिगाड़ रहे हमें अपनी योग्यता में विश्वास होना चाहिए कि हमारे में योग्यता है और प्रैक्टिकली हमारी मेहनत है वो आज नहीं कल रंग जरूर लाएगी ये कॉन्फिडेंस हमें अपने आप में होना चाहिए जरूरी नहीं है कि दूसरों ने बहुत जल्दी विकास कर लिया आगे बढ़ गए प्रमोशन हो गए तो मेरा भी हो नहीं कोई मैंने बताया ना कोई बहुत जल्दी आगे बढ़ के खत्म भी जल्दी हो, जाते। हो जाता है चलो हम स्टेडीली आगे बढ़ते हैं और समय पर अपना उन्नति पाएंगे इसमें हमें होने की जरूरत नहीं आप अपना अच्छा कार्य करते रहे अच्छा मान लो आपको सच में लग रहा है कि आपके मेहनत को ध्यान पर नहीं लिया जा रहा है प्रगति नहीं हो रही है तो आप अपने बॉस से मिल बात करिए ना जो आपके बॉस है वो तो आपके गार्डियन भी है माँ बाप की तरह है कंपनी में आपके एक बड़े राहबर के रूप में हैं तो उनसे मिलकर आप बात करिए बीच में और कोई बड़ा है तो उनसे मिलकर बात करिए पर अपना मन खराब करने से दिमाग बिगाड़ने से और प्रैक्टिकली भी अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ने से फ़ायदा क्या है आप खुद प्रयास करिए अगर आपको सच में लगता है कि इस कंपनी में आपका विकास नहीं है तो आप दूसरे के लिए ट्राई करते रहिए जहां कहीं अच्छा मौका मिलता हो पर जो प्रेजेंट अपने हाथ में है उनको बिगाड़ना क्यों है थोड़ा सा धीरज हिम्मत सहनशीलता हमें रखनी चाहिए और दूसरों से कंपेयर नहीं करो दूसरों से मिल रहा है कोई भी कारण हो सकता है हमें चाहिए हमारे में योग्यता है मेहनत है ये हमारा प्लस बात है और आप अपने बॉस से फिर बात करके दिल खोल के उनसे बातचीत करके अपने को हल्का करिए और मार्गदर्शन लीजिए पर अपने दिमाग को बिगाड़ना नहीं चाहिए नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे कोई काम के नहीं रहे right. uh, जैसे आपने बहुत अच्छा आंसर दिया दीदी क्योंकि आ, मैंने भी देखा है कितने ऑफिस में होता है कि हम अपने बोस से जाके नहीं मिलते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद उनको लगेगा कि हम काम नहीं करते हैं बट उनको सब पता रहता है कौन कितना काम करता है कैसे काम करता है तो उनके पास फीडबैक अपने आप अप जाता है क्योंकि उनको आज उसी कंपनी में काम करते 20 साल 25 साल हो गए हैं तो जो आपने अभी जस्ट अभी अभी जो बोला आपने कि हमें इंसान को उनसे एक तो मिलना चाहिए दूसरा डिप्रेशन में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं वो हमारा फायदा होगा ही होगा उससे okay. तो नहीं तो कहीं और, का 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 और मिलेगा। हम्म हम्म दीदी एक पेरेंट्स का हमारे पास फोन आया है आ, वो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो जयपुर से हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है तो लड़के को ये लगता था कि उसकी सैलरी जो है उसका पैकेज जो है वो तीस लाख का होगा बट कंपनी ने उसका पैकेज बारह लाख का दिया तो उसके बाद लड़की उसके साथ दो महीने मीन्स घूमी फिरी मुझे अभी करियर भी बनाना है तो लड़की का जो है जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारी लड़की का उस लड़के के साथ अटैचमेंट बढ़ गया है और अभी है तक हमें श्योर भी नहीं कि लड़का उससे शादी करेगा या नहीं करेगा क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी है बट लड़के ने इनडायरेक्ट वे में मीन्स हमें लग रहा है कि मना कर दिया है बट हम अब हम क्या करें हमारी लड़की का अटैचमेंट इतना बढ़ गया है कि वो खत्म नहीं हो सकता अगर खत्म हुआ तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी मैं तो कहूंगी कि अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही लड़के ने ये बता दिया और शादी करने के बाद वो कहता कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं हो रहा है और मुझे अपना कैरियर बनाना है तो कोई मतलब ही नहीं होता अच्छा है कि पहले से उसने अपने मन की बात बता दी अब बच्ची जो है आपकी उनको उस व्यक्ति से अटैचमेंट हुआ है पर अगर वो ये सत्यता समझे कि लड़के को तो अटैचमेंट है नहीं और वो तो अभी और अपना करियर बनाना चाहता है और और अच्छे जॉब को पाना चाहता है तो हमें जबरदस्ती से आ, मतलब जल्दी शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो अच्छी बात है कि उसने अंधेरे में नहीं रखा है पहले से ही बता। पहले से ही बता दिया कि भाई उसको कोई अटैचमेंट नहीं हो रहा है भले दो मास साथ में घूमे फिरे उठे बैठे पर उतना अटैचमेंट नहीं हो रहा है और अभी उसका करियर बनाने के तरफ ध्यान है और उस हिसाब से वो चार पांच साल कह रहा है कि उसके बाद वो शादी करेगा ये भी स्पष्ट नहीं है कि इसी लड़की से ही करेगा या नहीं, नहीं। करेगा तो माता पिता को जो बच्ची के माता पिता हैं उनको तो और ही समझ जाना चाहिए कि चलो अच्छा है बड़े एक्सीडेंट से हम बच गए पहले ही पता चल गया कि अभी इनकी शादी में रुचि नहीं है बनाने में रुचि है और बच्ची से करेगा या नहीं चार पाँच साल के बाद भी वो भी कोई श्योर नहीं है तो हमें और ही यहाँ स्टॉप होना चाहिए अपने आप को समझा के मन को हमें मोड़ देना चाहिए बट दीदी वो बोल रहे हैं हमारी लड़की का मीन्स अब हमारी लड़की बोलती है मैं शादी करूँगी तो इससे करूँगी नहीं तो मैं किसी से करूँगी नहीं बहुत जल्दी हम दूसरों से अटैच हो जाते हैं क्योंकि मन से नाजुक होते हैं कॉमल होते हैं हमें बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास हो जाता है और हम जिगरी दिल से प्यार करते हैं पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है जब वो लड़का स्पष्ट बता रहा है तो आप उनसे क्लियर बात करो अगर आपको अटैचमेंट है तो आप उनसे बात करो कि क्या पांच साल के बाद भी आप मेरे से शादी करेंगे और ये पांच साल तक बीच बीच में हम मिलके अपने रिश्ते को निभा के रखेंगे ये क्लैरिटी करो अगर उसके तरफ से ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है तो सामने से गले पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं ही नहीं, नहीं, नहीं है ना नहीं। हम खुद ही अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे दीदी जैसे मुझे लगता है कि जो लाइफ पार्टनर अभी साथ छोड़ने की बात कर रहा है तो वो आगे साथ नहीं देगा हाँ. क्योंकि उसने अभी बोल दिया है कि मैं अभी देखूंगा हां तो दीदी मुझे लगता है कि उस पार्टनर के साथ शादी नहीं करनी चाहिए अच्छा है पहले ही पता चल गया तो हम अपना मन परिवर्तन करें जीवन में और कोई साथी मिल जाएगा किसी एक पर ही आधारित तो हो जाने की जरूरत नहीं है क्या वो लड़की दोबारा से ट्राई करे पाँच साल के बाद कि उसी लड़के से वो शादी करे नहीं पाँच साल के बाद नहीं अभी ही उस लड़के से मिलकर बात करें कि देखो मुझे तो आपसे प्यार है मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं आपकी बात अच्छी है कि आप करियर बनाना चाहते हैं और चार पाँच साल उसके लिए आपको टाइम लगेगा पर आ, हम संबंध तो रख सकते हैं ना अगर आपको मैं पसंद हूँ और आप ये श्योर कर सकते हो तो हम अपने रिश्ते को तो बना के रख सकते हैं ना जरूरी थोड़ी है कि शादी हो तो ही हम बंद के रहे सही अर्थ में प्यार तो उसे ही कहते हैं ना कि भाई हम एक दो के प्रति वफादारी रखें भल हम अपनी पढ़ाई करते रहे या अपने जॉब करते रहे और जीवन में अच्छे स्थान पर पहुंचना और फिर अपने आप को सेटल करना ये तो बहुत अच्छी बात है पर आज दो मास से हम एक दो के संपर्क में आए हैं तो आपका अ, मेरे लिए आपका क्लियर डिसीजन क्या है क्या पाँच साल के बाद चार साल के बाद आपका मेरे लिए संबंध बनाने का लक्ष्य है या नहीं। नहीं। और कि पांच साल तक हम एक दो के संबंध में तो रह सकते हैं ना आप अपना करियर बनाए तो मैं भी अपना बना लूंगी तो ऐसा बात करो फिर वो जो जवाब देता है उसमें भी आप परखो कि, कि वो, क्या वो क्या दिल है? से कह रहा है बनावट कर रहा है या क्या है तो मैं और फिर अगर उसको कोई रुचि ही नहीं है नहीं। तो हमें जबरदस्ती किसी के गले क्यों पढ़ना चाहिए हमारे नसीब में कोई और लिखा होगा अपने आप उनसे हमारे संबंध हो जाएंगे इसलिए कहीं भी अटकना नहीं चाहिए रुकना नहीं चाहिए स्पष्टता से बात करें पॉजिटिवली कोई रेस्पॉन्ड मिलता है तो ठीक है उसमें भी आप परखो वो बनावट तो नहीं कर रहा है सिर्फ यूज तो नहीं करेगा आपको रियल में उसका क्या है वो परखो तो उनकी बेटी को एक बार उनसे उनके पास जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए और वो जो बोल रहे हैं वो डिसीजन लेना चाहिए कि वो क्या उनके साथ रहेंगे या नहीं।, नहीं।, नहीं उनके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैं ये सोचती हूँ दीदी कि उनको इतनी जल्दी डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है और अटैचमेंट जो होता है वो थोड़ा सा कम रखें क्योंकि वो अभी से ही ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम वो उनके साथ दे पाएंगे हाँ और दूसरा डिप्रेशन तो किसी भी हालत में नहीं होना है डिप्रेशन में जाने से जिंदगी तो हमारी अपनी खराब होगी ना दूसरे को क्या है हमें कुछ भी जीवन में ऊपर नीचे आती है हमें डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है हमें हिम्मत रखनी है उस परिस्थिति को झेलना है फेस करना है उसको ये हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऊपर नीचा और बदलाव आता ही है ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे जीवन में होता है hmm. इसलिए डिप्रेशन की तो बात ही नहीं करनी है यस है तो ठीक है परखिए आगे बढ़िए रियल प्यार लगता है तो ही आप शादी वरना आप अपना मन वहां फुल स्टॉप लगा दीजिए आपके नसीब में और कोई होगा आप उनसे संबंध बनाइए आगे बढ़िए जीवन में हो सकता है इससे भी अच्छा कोई और मिल जाएगा जब उस लड़की ने उस लड़के के साथ दो महीने जो बहुत अच्छे बिताए तो लड़के ने बोला कि मुझे आपसे मिलके आपके साथ रह के आपके साथ मैंने दो महीने स्पेंड किए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आप बहुत अच्छी लड़की हो बट उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे करियर बनाना है तो दीदी इसमें हम क्या इसमें क्योंकि ये दो बातें होगी तो ये टोटली कन्फ्यूजन होगी अब किसको अच्छा समझे किसको क्या समझे इसमें क्या लड़के ने जो कहा कि दो मास जो आपके बिताए आपके साथ वो मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड रहा मना वो आपके प्यार को समझ सका है माना आपका व्यवहार आपके संस्कार आपकी आदतें आपका करेक्टर सब उनको अच्छा लगा पर उससे भी बढ़कर जैसे कहते हैं ना भी जिंदगी में प्यार से भी बढ़, बढ़ के और भी कुछ काम करने होते हैं हो सकता है उस बच्चे के लिए Uh, जो अपना करियर है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है hmm. तो वो आपको जज कर सका है और आपके प्यार की वैल्यू भी कर रहा है पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए उनका करियर है तो ये तो फिर भी मैं तो कहूँगी वो लड़का अच्छा है जिसने स्पष्ट आपको बता दिया अब आपको भी अपने जीवन में सोचना है कि जीवन में सिर्फ आ, स, व्यक्ति के साथ संबंध प्यार शादी गृहस्थी केवल एक ही वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के भी कई पहलू हैं और वर्तमान समय के अनुसार संबंध प्यार एक चीज है और अपने जीवन को अपने पांव पर खड़ा करते हुए इकोनॉमिकली भी अपने पाँव पर खड़ा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना ये भी इतना महत्वपूर्ण है जैसे उस लड़की लड़के ने प्लानिंग किया था कि हम अभी बॉम्बे जाएंगे वहाँ पर रहेंगे बट उसके बाद लड़के ने एकदम मना कर दिया क्योंकि अब लड़की को अटैचमेंट इतना बढ़ गया क्योंकि एक बात उसने बोली कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो आपका करेक्टर बहुत अच्छा है दूसरा बोला कि हम बॉम्बे जाएंगे प्लानिंग की कि हम रहेंगे उसके बाद लड़के ने मना कर दिया तो लड़की का अटैचमेंट तो हो गया तो अब वो डिप्रेशन में है तो मीन्स अब वो क्या करे लड़की क्या करे डिप्रेशन में न जाए बल्कि पूछे कि जब आपको करियर ही इंपॉर्टेंट था तो आपने मेरे साथ इतना टाइम क्यों है और इतने तक की प्लानिंग क्यों क्यों आपका ये विचार अचानक क्यों बदला है मुझे सत्यता बताओ और अब एक बार जब उसके मन में ये विचार आ गया ना लड़के के मन में फिर हम जबरदस्ती उसके मजबूर करें या उनको मनाएं और शादी करें हो सकता है कि वो फिर आगे चल के मुसीबत आए इससे तो बेटर है कि कि उसने आपको तो देख लिया है कि आप अच्छे हैं प्यारे हैं अगर उनको करना होगा तो अपने आप वो वापस आएगा ना कहेगा हो सकता है पांच साल के बजाय दो साल में ही वो अपनी उन्नति कर ले और, और फिर आपसे बात करे पर जबरदस्ती हम कहें कि मुझे प्यार हो गया है इसलिए आप मेरे साथ ही संबंध तो तो मुझे इतना सेफ्टी इसमें नहीं लग रही हुँ, हुँ, हुँ. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दीदी अभी वो लड़का मना कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो इसीलिए मना कर रहा है कि वो चाहता ही नहीं है उस लड़की से शादी करना तो अगर पैकेज जो है अभी भी उसका अच्छा है बट वो इनडायरेक्ट वे में उनको मना कर रहा है तो आ, लड़की को ये समझना चाहिए कि वो उसको इनडायरेक्ट वे में मना कर रहा है तो उसके पीछे इतना डिप्रेशन होना पेरेंट्स को भी टेंशन देना अच्छी बात नहीं अच्छी है। बात नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है ठीक है आ, दीदी जैसे मैंने देखा है आज के टाइम में लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को घुमाते हैं और फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं तो दीदी ये ऐसा क्यों करते हैं वो जब उनसे शादी ही नहीं करनी है या कोई संबंध नहीं बनाना है तो पहले ही उनको मना कर दे बट आज के टाइम में इतना ज्यादा हो गया कि लड़के लड़कियों को घुमाते हैं और उसके बाद मना कर देते हैं तो दीदी ऐसा क्यों इससे हम लड़कियों को ही इस समय को और वर्तमान समय में लोगों की जो मनोस्थिति है हमें उनको परख लेना चाहिए hmm. कि इस दुनिया में हमें इमोशनल uh, होकर हम जी नहीं जी सकते, हैं सकते हैं हमें वास्तववादी बनना होगा और हमें नॉलेजफुल बन के जीना होगा बहनों को सिर्फ अपनी भावनात्मक साइड को विकसित नहीं करना है नहीं। लेकिन अपना लॉजिकल साइड भी इतना विकसित करना चाहिए कोई व्यक्ति अच्छा है इसका अर्थ ये नहीं है कि आंखें मूंद के हम उसी पर, पर कुर्बान हो जाएं नहीं अब हरेक को अपनी शक्ति के आधार पर ही जीना है hmm. आप खुद ही देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आजकल ये बहुत हो रहा है hmm. इसका मतलब कि लड़कों में स्थिरता नहीं है ये इससे दिखाई देता है तो हमें और ही सबक सीखना चाहिए और हमें अपने साथ संबंध में आने वाले सबके साथ इमोशनली नहीं लेकिन बैलेंस से चलना चाहिए क्यों क्या का सवाल नहीं है क्यों ऐसे करते क्यों ऐसे करते हैं हम अभी तक सोच रहे हैं और वो ऑलरेडी कर रहे हैं hmm. तो हमें खुद को बदलना चाहिए hmm. कि ये वास्तविकता है और ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं हम ही चेंज हो जाए चेंज हो जाए और अपने में बैलेंस लाए कि भावना भी हो तो विवेक भी मैं तो कहूंगी कि और ही शुक्रिया मानो कि शादी के पहले ही ये पता चल जाता है ताकि पूरी जिंदगी तो ये मुसीबत नहीं शादी के बाद अगर वो ऐसे चलते हैं तो कितना धक्का लगता है तो ये पहले से ही हमें सबक सीख के संबंध में आना चाहिए अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए आजकल तो दो मास घुमा के पता नहीं उन दो मास में भी क्या क्या प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो अपनी सेफ्टी हम बहनों को खुद रखनी है हमें अपना करेक्टर फुल रखना है। हाँ अपना करेक्टर सेफ रखें मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें hmm. जैसे विदेश के लिए आज से मैं समझती हूँ कि लगभग तीस साल पहले जब मेरा अमेरिका जाना हुआ था तो उस समय वहाँ ऐसा कहते थे कि यहाँ तीन बातों का कोई भरोसा नहीं वेदर का कोई भरोसा नहीं अभी अभी अच्छा है अभी अभी खराब वेदर हो जाएगा अभी खराब है पाँच मिनट में एकदम अच्छा हो जाएगा तो वेदर का कोई भरोसा नहीं वहाँ वर्क का जॉब का कोई भरोसा नहीं कभी भी, कभी भी आपको निकाल सकते हैं कंपनी या जहाँ भी जॉब है और तीसरा वुमन का कोई भरोसा नहीं कभी भी वो आपको छोड़ के जा सकती अब ये परिस्थिति हमारे देश में भी आ रही पश्चिमात्य संस्कृति का ये प्रभाव यहाँ भी आ रहा है कि पहले जो लोग जिंदगी भर भारत के लोगों का ये विशेषता गाई जाती थी कि एक बार संबंध बनने के बाद वो जीवन भर निभाते थे चाहे वो कैसे भी थे बीमार होते थे शराबी होते थे या कुछ भी संबंधों में होता था कलह क्लेश होता था पर वो निभाते थे पर आज हमारे देश पर भी समय के अनुसार प्रभाव आ रहा है इसलिए यहाँ भी मैंने देखा है युवा लोग बहुत जल्दी अपना जॉब भी चेंज करते हैं और बहुत जल्दी अपने लाइफ के फ्रेंड्स और पार्टनर भी चेंज, चेंज कर करते करते तो ये समय का प्रभाव है समय के प्रभाव को समझकर लोगों के मानस को समझकर हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हमें कैसे अपने आप को संतुलित रखना है जिसको हम सिर्फ दो महीने से जानते हैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उससे इतना अटैचमेंट नहीं बढ़ाना चाहिए तो अपने अटैचमेंट को थोड़ा कम करना चाहिए दूसरा करैक्टर को तो ये करने से हम लड़कियाँ ही बच पाएंगी क्योंकि जैसे आपने बोला विदेश में जो होता था बाहर जो होता था फॉरेन में जो होता था कि लड़कियों को चेंज करते थे वैसे आज इंडिया में लड़के भी लड़कियों को चेंज करने लग गए हैं तो हमें ही उनसे अवेयरनेस करना चाहिए हमें अपने ट्रैक्टर को फुल रखना चाहिए तो दी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी नाइन फोर वन डबल फोर टू थ्री एट डबल सिक्स जीरो फाइव एट थ्री फाइव एट सिक्स डबल टू हमारा ईमेल है आव्न वन जीरो जी मेल डॉट कॉम